प्रखर वक्ता, विख्यात विचारक, युग दृष्टा, प्रखर देशभक्त एवं अद्भुत शब्द शिल्पी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में बंगाली परिवार में हुआ था। एक देश में दो निशान, दो विधान एवं दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा देने वाले मुखर्जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दिया। यही कारण है कि उन्हें स्वतंत्र भारत का शिल्पकार भी कहें तो गलत नहीं होगा। भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी देने की बात हो रही थी। इस सहमति के 4 प्रमुख बिंदु थे: प्रवासियों की सुरक्षा, अपहरण की गई महिलाओं की सुरक्षित घर वापसी, धर्म परिवर्तन पर रोक, और युद्ध को भड़काने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े लियाकत, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से राजनीति सीखी थी, पाकिस्तान के पहले पीएम बने। दुष्टता ऐसी कि आजादी के कुछ समय बाद ही भारत पर पहला सैन्य हमला कर दिया गया। लगभग 6 दिनों की चर्चा के बाद इस संधि पर सहमति बन पाई, जिसका प्रारूप 2 अप्रैल 1950 को तैयार हुआ था। लियाकत अली इसके बाद जब दिल्ली दौरे पर आए तो 8 अप्रैल को गवर्नमेंट हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस पर दस्तखत किए। इतिहास में इस घटना को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तब समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पैक्ट को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला करार दिया। उनका अंदेशा सही साबित हुआ, जब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, से शरणार्थी पलायन किए तो उन्हें भारत छोड़ कहीं भी शरण नहीं मिली। न ही किए गए किसी समझौते का पालन हुआ। जिसका अंदेशा नेहरू नहीं भांप सके थे, उसे मुखर्जी ने भांप लिया था। वह जानते थे कि पाकिस्तान के नापाक राजनेता धोखा देंगे और इसलिए मुखर्जी समझौते के पक्ष में नहीं थे। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को पारित करने से पहले लोकसभा बहस में गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते का उल्लेख किया था, उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते को इस संशोधन की वजह बताते हुए कहा, यदि पाकिस्तान द्वारा संधि का पालन किया गया होता तो इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं थी, जिस पर उस वक्त पूरा मुस्लिम समुदाय विधेयक के विरोध में सड़क पर आ गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी के बाद ही महसूस कर लिया था कि अगर रामराज्य की स्थापना करनी है तो कांग्रेस की विचारधारा बाधा ही पैदा करेगी, क्योंकि उसके तुष्टिकारक स्वरूप को वे देख चुके थे। वे तय कर चुके थे कि स्वतंत्र भारत में भारत की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले ऐसे राजनैतिक दल की महती आवश्यकता है, जिसमें अंग्रेजी सोच न हो, जिसके मानबिंदु भारतीय हों। 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनैतिक दल खड़ा करने का संकल्प किया। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर मधो, दीनदयाल उपाध्याय की उपस्थिति में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। वह एक ऐसा दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरूवादी वैचारिक ढांचा भारतीय राजनीति के केंद्र में था। उस समय यह सोचना असंभव था कि कोई नेहरू और कांग्रेस को वैचारिक व सांगठनिक स्तर पर सफलतापूर्वक चुनौती दे सकता है। राष्ट्रहित में एक व्यक्ति ने यह कर दिखाया। तब का जनसंघ ही आज विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल भाजपा है, जिसके नेतृत्व में राष्ट्र के सांस्कृतिक नवजागरण का शंखनाद हो चुका है और राष्ट्र अपने पुरातन मूल्यों और विरासत के साथ परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। देश की एकता और अखंडता को अपने बलिदान से सींचने वाले महान राष्ट्रचिंतक, जननायक, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शत शत नमन।